हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अनूप सिमवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आ रखा हूँ अपने घर पे आज सफाई के लिए, और मेरे साथ हेल्प करने के लिए कई लोग आए हुए हैं, लगे हुए सफाई करने में। चलो मैं उनको दिखाता हूँ आपको कौन कौन आ रखे हैं सफाई करने। दरवाजे खोल दिए, कमरों के हालत में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसी स्थिति हो रही है हमारे मकान। भाई लोगों, अभी हमारा सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है, दूध के साथ बन और पार्ले जी बिस्किट। इसके बाद करेंगे हम अपने घर की सफाई अभियान शुरू। यहाँ पर घास कटान कर रहे हैं, घास को कटवा रहे हैं, और मेरे साथ है मेरे भाई अनूप सिमवाल और साथ में मैं ईवन सिमवाल। और आज आए हैं हमारे यहाँ केदारनाथ ब्लॉगर, तो इस समय वो घास के लिए आए हैं, तो मैं दिखाता हूँ केदारनाथ ब्लॉगर को। आप भी हमारे केदारनाथ ब्लॉगर, नमस्ते। और क्या बोल रहे हो? बोल दिया तुम क्या बोलना है? चैनल के बारे में बोलो। चैनल के क्या है? अनूप सिमवाल ब्लॉग, आपका चैनल और इनका चैनल है अनूप सिमवाल ब्लॉग से। तो प्लीज़ आप इनको भी सपोर्ट कीजिए जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है, मतलब इतने कम टाइम में। तो इनका भी चैनल है, तो इनको भी सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार अपना सहयोग इनको भी मतलब देते रहिए। बस और मैं क्या ही बोलूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भाई कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? ठीक वही यार, दिन भर तो ये लोग आ रखे थोड़ा हेल्प करने और अपने लिए घास ले जाने के लिए। ये हैं केदारनाथ ब्लॉगर। ऊपर का कमरा, इसकी स्थिति देखो, ये यहाँ पे भगवान जी का मंदिर भी बनाया था मैंने। मकान में सारी घास जम चुकी है, एक काई लगी हुई है, ये भी देखें मकान में पूरा घास है। अभी हम इसकी सफाई करेंगे, उसके बाद फिर आपको वीडियो में दिखाएंगे। इधर भी पूरा घास जमा हुआ है, तो अभी हेल्प करने के लिए जो लोग आ रखे हैं वो घास भी काट रहे हैं और ये झाड़ी भी काटेंगे, पूरा घास काटेंगे ऊपर से। ये हमारे साथ हैं केदारनाथ ब्लॉगर, ये भी शूट कर रहे हैं, और साथ हमारे सफाई में साथ सहयोग प्राप्त है इनका। और ये कमरे की स्थिति देखे कैसे हो रखी, 20 साल हो गए घर छोड़े हुए, और ये ऊपर से टूट गया नीचे की तरफ। और एक छोटा कमरा ही है, ये थोड़ा ठीक है। और ये था मेरा पोल्ट्री फार्म, यहाँ कबाड़ा रखा हुआ है। और ये कमरा ही है, बरामदे में देखे चूहों ने क्या कर दिया। ये था हमारा किचन, किचन के अंदर चलते हैं। पुराना चूल्हा है हमारा, और एक चूल्हा था अंदर, अंधेरे में दिख नहीं रहा। ये है पुराने जमाने की टोकरियां, अभी भी है यहाँ पे। चूल्हा भी बिल्कुल खत्म हो गया, चूहों ने यहाँ बुरा हाल कर दिया यहाँ। ये थी हमारी गौशालाएं, एक गौशाला का दरवाजा तो खुल नहीं रहा मेरे से, दूसरा वाला। ये गौशाला तो बहुत ठीक है, साफ सुथरी है। थोड़ा घास घूस कट गया तो थोड़ा साफ हो गया यहाँ। सिमवाल भाई लगे हुए इस समय घर की सफाई करने पर, क्योंकि छोड़ा हुआ घर था, तो काफ़ी दिनों बाद दोबारा से यहाँ सफाई कर रहे हैं।
चूहों ने कैसे कर दिया ये, चमगादड़, चूहे, रीछ, भालू, जंगली जानवरों ने यहाँ बहुत गंदा कर रखा है। ये है यहाँ का किचन, किचन में चल रही है सफाई और अब भाई लगे हुए हैं यहाँ पर, किचन की हालत भी कुछ बदतर हो रखी है। यहाँ पर हर 3-6 महीने में आना पड़ेगा तब जाकर यहाँ की क्लियर सफाई होगी। क्या कहते हो बाबा, कुछ कहना चाहेंगे आपके? हाँ, इसको मैं किचन को बढ़िया बनाऊंगा। हाँ, यहाँ पर चूल्हा चूल्हा ठीक करेंगे अगली बार। हाँ, तो यहाँ पर हम पानी पूरी चाय सुई की व्यवस्था भी यहीं पर करेंगे। अच्छा, बर्तन बुर्तन लिया हो ना कुछ? हाँ, बिस्तर लाने पड़ेंगे, बिस्तर नहीं है हमारे पास में, कर लेते हैं। अच्छा, बिस्तर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, 20 साल होंगे यहाँ झाड़ू नहीं लगा हुआ भाई। हाँ, उसके बाद सही बात है, 20 साल झाड़ू नहीं लगी। चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक यहाँ चल रहा है सफाई अभियान, इस प्रकार से घास काट करके यहाँ रखा हुआ है। इतना मोटा सांप घर के अंदर घुसा हो, इसकी कांचल दिख रही है और इस छेद से अंदर जा रखा हो। देखो, सफाई करने में हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये घास हो रखा, अंदर की तो हमने सफाई कर दी। इधर छोटा भाई लगा हुआ छत में काम करते हुए। तो फाइनली यहाँ पर काम पूरा हो गया सफाई का। झाड़ू मार रहे हैं अभी, है तो इसमें बहुत सारी दिक्कत, अभी एक बार में नहीं होगा, निकल नहीं रहा। इसके लिए चाहिए ब्लीचिंग, ब्लीचिंग तो निकलेगा। अब नीचे तो हमने काफी सफाई कर दी, और नीचे भी दिखाते हैं आपको सफाई कितनी कर दी, लेकिन बाहर चौक है अभी गंदा, चौक करते हैं थोड़ा सा साफ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो देखें पूरा। तो फ्रेंड्स, हमने काफी सफाई कर चुके हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो में। नीचे की तरफ आप काफ़ी सफाई कर ली है, अब भाई थक के बैठ गया है। आइए देखते हैं, ये बरामदा जो पहले दिखाया था मैंने आपको, ये सफाई कर चुका मैं, और इस कमरे में क्या ही करनी, इस वाले में और इस वाले में, इसमें बाद में ही कबाड़ा भरा पड़ा है, इसको बाद करेंगे। और यहाँ कर दी हमने फाइनली पूरी सफाई, कमरे में भी मेरी पूरी सफाई हो चुकी है। ये किचन दिखाया था मैंने आपको पहले, आफ्टर सफाई के बाद देखो, सफाई कर दी मैंने यहाँ। ये बाहर रह गया सफाई के लिए, अब दोनों भाई बाहर लगे हुए सफाई करने में, मिलते हैं हम वीडियो में आगे। भाई लगे हुए हैं फावड़े के साथ अपने चौक को साफ करते हुए, खोला को गढ़वाल में खोल बोला, हिंदी में चौक, आंगन, इस प्रकार से। और ये मकान है खूबसूरत वादियों के साथ, लगे हुए हैं लगभग, यहाँ पे फाइनल हो चुका है, लेकिन ये बड़े मेहनती हैं, जब तक ये काम पूरा नहीं करेंगे तब तक ये हार मानने वाले नहीं हैं। इनके अंदर बहुत एनर्जी है, एनर्जी के साथ काम करते हैं। आज अभी अभी 2 गौ माता हमारे घर पे आ गई है, गौ माता ने दर्शन दे दिए हैं, गौ माता ने हमारे साथ हैं गौ माता। क्या पता गौ माता ने सोचा होगा अकेले हैं, इनके साथ चले जाएं। जय हो गौ माता। दिन के बज चुके 1, और अभी हम आए ऊपर से सफाई करके अपने घर से, और यहाँ ठंडा बहुत है, और मैंने रख दिया चूल्हे में पानी गर्म होने के लिए, अब मैं इससे नहाऊंगा। और दूसरी तरफ मैंने खाना बना रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ मैंने खाना रखा हुआ बनाने के लिए, और इधर बन रहा मेरा खाना, और इधर मैंने दाल रखी हुई कुकर में, ये पकेगी, और इधर मेरा मसाला चने की दाल बन रही है, और इसके बाद नहाऊंगा मैं, उसके बाद खाना खाएंगे हम दोनों भाई। तो मिलते हैं आपको आगे। ये आ गया गर्मा गर्म भात,
ये बन गई चनों की दाल। बात हम खाते हैं अब खाना, नहा चुके हम, सफाई सफाई घर की कर दी है और अब करते हैं खाने की तैयारी। उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं काम करके। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।